लाइव खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। बागपत के बछौड़ गांव में 35 साल से तालाब की सफाई ना होने और आसपास गंदगी फैलने के कारण प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसारक जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा ने ग्रामीणों के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसी के साथ ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक इस तालाब की सफाई शुरू नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। वहीं आमरण अनशन कर रहे मनोज शर्मा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए का बजट जारी हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बछौड़ गांव में तालाब में गंदगी को मिशन के दायरे से बाहर रखा गया है। यही कारण है कि तालाब 35 साल से गंदगी से पटा हुआ है और आए दिन पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में भर जाता है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत करने पर भी कुछ नहीं किया गया, वहीं आखिर में परेशान होकर तालाब के किनारे आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। साथ ही लोगों ने चेतावनी दी कि प्रशासन जब तक तालाब को साफ नहीं करवाता है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। वहीं भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार गोस्वामी हड़ताल स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। तालाब है हमारे गांव में, इस तालाब को लगभग 35 साल हो गए, साफ सफाई नहीं होती इसकी, इसका पानी गंदा हो गया तो पीने के पानी में मिल गया जिससे हमारे गांव के लोगों में बीमारियां हो गई, जिससे किसी के घुटनों में दर्द है तो किसी की किडनी खराब है, आए दिन कोई ना कोई लोग इस मामले इस बीमारियों से मर रहा है। उसको देखते हुए प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत करी, किसी को कोई इससे कोई मतलब नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी केवल और केवल धमकी देते हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रात भी हमारे डीएम साहब से बात हुई, तमाम अधिकारियों से बात हुई और पहले भी शासन प्रशासन में हमारी बात होती रही, लेकिन किसी ने आज तक इस तालाब को लेकर कोई भी काम नहीं किया। कभी काम हुआ तो 20-30 हज़ार का पानी निकलवा के फिर भी वहीं का वहीं रख दिया। तो इसको देखते हुए हमने कल 10:30 बजे सुबह 16 तारीख में ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। 4 लोग हम टोटल हैं और अगर इसमें प्रशासन समय रहते नहीं आता है तो हम इसमें आत्मदाह करेंगे, पानी में अपनी जान दे देंगे और इससे पहले हम नहीं जाएंगे यहाँ से। डीएम साहब की तरफ से क्या कहा गया आपको? डीएम साहब ने पहले तो ये बताया कि भाई आपने हमें सूचना दी, मैंने कहा जी मैं आपके यहाँ 2 बार गया, आप वहाँ नहीं मिले, आपके किसी अधिकारी ने किसी पीए ने आपके बताया कि आप दिल्ली उसमें लखनऊ में है, तो बोली मैं लखनऊ नहीं मैं दिल्ली थी, तो मैं अपना काम मुझे जो करना था मैं वहाँ गया, मैं 2 बार जा चुका, वो नहीं मिली। फ़ोन पर बात की तो उनके पीए फ़ोन उठाते हैं, तो जब मेरी वहाँ सुनवाई कुछ नहीं हुई तब मैं थका के मैं यहाँ बैठ गया। मेरे साथ पूरा गांव है, गांव का प्रधान का समर्थन है और कुछ संगठन है उन लोगों का समर्थन है और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी कल से आज मुझे लग रहा 27 घंटे में बैठे हुए होंगे, ना हमने पानी पिया है ना हमने अन्न लिया है और आगे भी ऐसे रहेगा अगर हमारा कोई समाधान नहीं होता। डीएम ने क्या कहा यहाँ के लिए? डीएम ने ये कहा था कि आपने हमसे हमें सूचना नहीं करी और सूचना नहीं है तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, ना हमें हमारे पास कोई सूचना है। दूसरी बात ये, जब मैंने उनसे पूछा कि कोई जगह आप बताओ जिस पर हम धरना प्रदर्शन करें, वो कुछ चिल्ली जगह हो जिले में, तो उन्होंने ये जगह नहीं बताई, खाली वो अपना बोलती रही और हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने, आखिरी में उन्होंने फोन कट कर दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग धरने पर बैठे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन कब तक जागता है और आखिरकार कब तक तालाब की सफाई करवाई जाती है। तो ये थी बागपत से हमारे संवाददाता अंजू चौधरी की रिपोर्ट। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लाइव खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।